भाईचारा राज्य मार्ग परिवहन सेवा के सदस्यों ने परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को व्यवसाय के लिए नुकसान का सौदा बताते हुए तत्काल भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग बनाए जाने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कमलनाथ सरकार से मांग उठाई है कि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वायदा किया गया था, परंतु परिवहन विभाग में यह नियम नहीं लागू किया गया है। इस मामले में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई, तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। आज हमारे ट्रक चालक मालक के साथ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है परिवहन विभाग में, जो खुलेआम रिश्वतखोरी ली जा रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने करीब करीब सभी अधिकारियों को प्रधानमंत्री छोड़कर सबको दे चुका हूं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने की हमारी तैयारी है। अभी हमने जो मुहिम छोड़ी, हमारे पूरे प्रदेश का यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, एमपी से, महाराष्ट्र से, हर प्रदेश के लोगों को हमने जोड़ा, और जोड़ के यहाँ तक आया कि एमपी में एक एक जिला अधिकारी को, एसपी को, कलेक्टर को, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, और इसके बाद हम ग्वालियर में देंगे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, कि भ्रष्टाचार को रोकिए। 300 रुपये डेली कमाने वाला ड्राइवर आज वो कहाँ से रिश्वत दे गए, और रिश्वत आप किस चीज़ की रिश्वत ले रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप मोटा रेट के नियम के अनुसार सही प्रकार से गाड़ी चले, रिश्वत लेके किसी गाड़ी को ना चलाया जाए, और उनके साथ नाजायज गलत तरीके से व्यवहार ना किया जाए। जैसे आज माननीय नितिन गडकरी साहब, केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने मोटा रेट नया 19 का रूल निकाला है कि 10 गुना फाइन लगा दिए हैं। सब आप मीडिया वाले हैं, सब आपको सच्चाई मालूम है, सब कुछ पता है, पेपर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। हमारा उसी तरह से मांग है, अगर भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारी इस रिश्वत में पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी उसको 10 गुना सजा और जुर्माना के साथ प्रावधान किया जाए, उसको सजा दी जाए, उसे जुर्माना वसूला जाए, उसकी निजी संपत्ति की जाँच कराई जाए, उसको जेल में बंद कराया जाए। जिस तरह से है मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ट्रक एसोसिएशन की मुहिम भी नजर आ सकती है। इस बात में संदेह नहीं है कि परिवहन चेक पोस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जरूरत है इन पर लगाम कसने की। बीते 15 वर्षों की सरकार में भी यह मामला उठा था, और अब कमलनाथ सरकार में उठा है, जहां आप देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठ